गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और आज है संडे। आज और मैं और पापा कर रहे हैं घर की सफाई। ऑलमोस्ट आधी सफाई तो हो गई है। तो ये देखो गाइस, ये हमने सारा इसका नीचे से साफ सफाई कर दी है और इस कमरे में पूरी सफाई हो गई है। तो थोड़ी सी सफाई रह गई है, अब अभी कंप्लीट करेंगे। और मम्मी बना रही है परोठे। ये देखो गाइस बन चुके हैं ये प्याज। तो गाइस हम पूरी सफाई करके और नहा धो के करेंगे ब्रेकफास्ट। तो अभी एक दिक्कत आ गई मेरे पीसी में, तो ये होम थिएटर ये स्पीकर ख़राब था। अब इसकी ये जो मॉनिटर है ना, ये इसका ख़राब हो चुका है। मतलब कि बहुत अच्छे से नहीं चलता, चलते चलते बंद हो जाता। अब हम इसे भी लेके जाएंगे क्योंकि इससे बिना काम नहीं चलेगा ना, ये ख़राब हो जा रहा बार बार। तो हम इसे भी लेके जाएंगे। और मैंने अपना ये पीसी भी पूरा साफ़ सफाई कर दिया। ये देखो पूरा मैंने समेट दिया, सारा सामान मैंने अच्छे तरीके से रख दिया और यहाँ पर बहुत डस्ट कर दिया। तो आज तो पूरी अच्छी तरीके से सफाई हो गया हमारे घर की। तो क्योंकि त्यौहार भी आने वाले हैं, त्यौहार से हम पहले ही सफाई कर ली हमने पूरी। गाइस गैलेक्सी ने ये रोटी पानी खा के ऐसे लेट चुका है। ये पता नहीं क्या खा रहा है, ये देखो गाइस पता नहीं क्या खाता रहता है ये। तो गाइस मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये क्या है, ये इसमें ना ये पेट्रोल है और ये थोड़ा सा पानी है। जब हमने बाइक ठीक करवाई थी तो उसकी टंकी में से निकला था। इसमें आधा पानी है आधा पेट्रोल है, ये भी मिक्स हो रहा है। ये देखो ये ऐसा हो गया गाइस पेट्रोल। तो इसी वजह करके हमारा बाइक जो थी वो ख़राब हो गई थी। तो अब तो बाइक बिल्कुल ठीक है, मस्त चलती है। ठीक है, ये तो गाइस ये जो पेट्रोल यहाँ पे गिरा था ना, इसके निशान अभी भी है। ये गए नहीं अभी निशान इसके। ये तो गाइस अभी इसका निशान नहीं गया पेट्रोल के। 12 seconds later बस अभी शाम हो गई है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और हमने घर की पूरी अच्छी तरीके से सफाई कर ली है, क्लीन हो गया घर। दिवाली की आधी सफाई तो हो गई है, आधी रह गई वो भी हम कर लेंगे। तो पूरी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा धूल, मैंने पूरी क्लीन कर दी है अच्छे तरीके से। तो ये इसका जो इसकी जो स्क्रीन की प्रॉब्लम है, ये इसका चल नहीं रहा है। तो इसकी भी हम प्रॉब्लम 2-3 दिन में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं हमारा चलता। क्योंकि इस पर बार बार ये ख़राब हो जा रहा है तो मैं लेके जाऊंगा। ये अभी गारंटी में है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अमित के साथ बाहर, थोड़ा घूम फिर के आएंगे। तो अब चलते हैं गाइस, मैं रेडी होता हूँ। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, तो अभी चलते हैं। अमित को भी मैंने फ़ोन कर दिया है, वो भी हमारे साथ ही जाएगा, वो भी जाएगा। गाइस आज का मेरा प्लान था, मैं हेयर कट करवाने जाना था। तो सफाई की वजह से आज मुझे काम था बहुत ज़्यादा, तो मैं टाइम नहीं लगा। तो हम फिर कभी जाएंगे हेयर कट करो। तो गाइस अभी ये देखो गाइस गैलेक्सी बाहर बैठा है। ये देखो अभी का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि सर्दी आने वाली है ना। तो अभी ठंडा ठंडा थोड़ा सा मौसम हो चुका है। धूप भी इतनी नहीं लगती है, नॉर्मली लगती है। थोड़ी थोड़ी हवा चलती रहती है ना, तो इसके लिए तो इसकी वजह से हमें गर्मी बहुत महसूस हो रही है अभी फ़िलहाल। तो चलते हैं गाइस। अमित को मैंने फ़ोन कर दिया है, तो वो भी रास्ते में होगा, चलते हैं हम। तो गाइस ये देखो अमित यहाँ पे खड़ा है। तो अमित चले, तो गाइस चलते हैं हम। तो अमित हम कहाँ जा रहे हैं? हम कवर लेने जा रहे हैं मोबाइल का, वो ख़राब हो चुका था इसलिए कवर लेने जा रहे हैं। हाँ तुम्हारा फ़ोन भी गिर चुका था ना। हाँ दिखाना, ये देखा पूरा इसका फ़ोन, ये इसका पूरा ग्लास टूट चुका है। चलो चलते हैं हम अमित को लेके। तो गाइस मैं आ गया था यहाँ पे रोपड़ सिटी सेंटर। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का, और यहाँ पे हम खाने पीने आए थे। तो वहाँ पे अभी आए नहीं है वो लोग बनाने वाले फास्ट फूड वाले, तो कहीं हम और चलेंगे। पर यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है गाइज, और पूरी चंडीगढ़ वाली लुक आ रही है। मैं दिखाता हूँ आपको एक सीन। तो ये देखो गाइज कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का, और ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि पूमा एडिडास वगैरह, सारे यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। पर यहाँ पे खाने पीने का सामान अभी खुला नहीं है दुकान, तो अभी अब चलते हैं कहाँ। तो आज अमित की तरफ से पार्टी, क्योंकि इसने अपने मोबाइल में ये देखो कितना मस्त का ग्लास डलवाया और कवर डलवाया। तो इसकी तरफ से आज पार्टी है। तो अमित क्या खिलाएगा आज, देखते हैं, चल कर देखते हैं। तो गाइस चलते हैं, इसका फ़ोन बहुत मस्त लग रहा है अभी। तो इसकी तरफ से पार्टी आज, फुल एंजॉय करेंगे।
तो अभी ये अपने ब्लॉग का कर रहा है एंड, क्योंकि इसने अपना पूरा ब्लॉग कंटिन्यू करके पूरा एंडिंग कर रहा है, ये अभी एंडिंग कर रहा है अपनी ब्लॉग की। तो कर लो मित। तो गाइस मैं अभी आया था, तो मैं और मित आ गए हैं यहाँ पे फास्ट फूड वाली रेडी पे। तो हमने दे दिया एक एक बर्गर का ऑर्डर, तो अभी तैयार हो रहा है हमारा बर्गर। तो ये तो गाइस इन्होंने एक ही बार में बहुत सारे बर्गर बनवा दिए। तो मित का बर्गर आ चुका है, ये मेरा बर्गर, हमने खाना पीना पूरा खा लिया। तो अब हम जा रहे हैं सीधा घर। वैसे हम घूम फिर के आ गए थे, तो अमित को मैंने कर दिया घर पे ड्रॉप। तो बाय अमित। तो अमित चलो ठीक है, तो अब हम गाइस चलते हैं घर पे। तो गाइस मैं घूम के घर पे आ गया हूँ। तो मम्मी बना रही है यहाँ पे सब्जी, पनीर की सब्जी बन रही है और चावल बन रहे हैं। और यहाँ मम्मी आटा गूंद रहे हैं। किसी में जो प्रॉब्लम आ रही थी तो वो मैं अपने आप ही सॉल्व कर लिया है। उसकी जो थोड़ी सी पीछे वाली वायर होती है ना, वो मेन वायर होती है, वो थोड़ी सी ढीली थी, तो मैंने साफ सुफ करके डाल दी थी। तो वो अभी मस्त काम कर रहा है वो भी। तो मैंने अभी भी बंद किया क्योंकि ज़्यादा देर चलाऊँगा तो। फ्लेक्सी को हमने यहाँ पर बांधा था क्योंकि अभी खुला था पहले। तो ये देखो गाइस इसने सारा कपड़ा ख़राब कर दिया इसका सोफे का। तो ये ऐसे ही करते, ये शरारते बहुत करता है गैलेक्सी। मैंने इधर बांध दिया इससे। ये देखो इसके गैलेक्सी क्या कर रही है, पता नहीं इसकी, इसको टाइले अच्छी नहीं लगी, ये उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। गैलेक्सी क्या हो गया? तो ये गाइस ऐसे ही करता रहता है, ये खेलता रहता है, अपने खुद ही खेलता रहता है ये। तो गाइस ये मेरा खाना आ चुका। तो गाइस मैं खाना पीने का कह जाऊंगा ग्लास को घुमाने। तो इस ब्लॉग को करता हूँ यहाँ पे एंड। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।